रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे तब्दील किया जाता है। तो सबसे पहले हम मिसाल लेते हैं, कन्वर्ट 1/4 टू डेसिमल। तो इसके लिए हमने न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तकसीम करना है। जैसे हम 1 को अंदर रखेंगे और 4 को बाहर, तो आपको पता है कि डिवाइजर जो है वो बड़ा है, 4 जो है वो बड़ा है और 1 छोटा है। तो हम अगर डिवाइजर बड़ा हो तो तकसीम नहीं कर सकते। तो इसको कैसे तकसीम करेंगे, तो इसके लिए हम इशारिया का इस्तेमाल करेंगे। हम 1 के बाद जो है वो इशारिया लगाएंगे, ऊपर भी इशारिया लगाएंगे। जब हम इशारिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसके आगे हम सिफर लगाते हैं ताकि ये डिवाइड हो सके। तो अब हमने इशारिया के बाद 2 पे डिवाइड किया, 0 लगाया तो ये 10 बन गया। तो 4 टूज आर 8। तो अब हम फिर इसको डिवाइड करेंगे जब तक के तकसीम का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता। तो ये 2 के बाद फिर हमने एक और सिफर लगाया, 5 पे गया, तो 1/4 इज इक्वल टू 0.25। तो इस तरह से हमने 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो प्यारे बच्चों, नो योर वर्थ, अपनी हैसियत जानो, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे अल्लाह ने दुनिया में किस लिए भेजा है, मैंने कौन से रास्ते पे चलना है, मुझे कितनी देर दुनिया में रहना है, अल्लाह ने मुझे किस मकसद के लिए भेजा है। तो इन सारे सवालों का जवाब कुरान मजीद देता है, हमें हमारी हैसियत बताता है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ने हमें हदायत देकर भेजा और हम दुनिया में थोड़ी देर के लिए आए हैं। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद को उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें। अब हम नेक्स्ट दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। तो हमने कन्वर्ट करना है 4/5 को डेसिमल। तो हम वही करेंगे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। अभी आपने जो स्टेप पीछे सीखे हैं उनको अप्लाई करें, वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। तो आप देखें कि यहाँ पे डिवाइजर जो है वो बड़ा है डिविडेंड से, तो हम इसे तकसीम नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हम बड़ी रकम को छोटी में तब्दील कैसे करेंगे, वो हम इशारिये का इस्तेमाल करेंगे। हम इशारिया लगा के, जब इशारिया लगाते हैं हम, तो उसके बाद हम उसके बाद सिफर लगाते हैं आगे, जिससे रकम बड़ी हो जाती है, फिर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इशारिया के बाद सिफर लगाई और तब तक हम सिफर लगाते जाएंगे जब तक के तकसीम का सारा प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाएगा। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 8s are 40, तो 0.8। तो 4/5 इज इक्वल टू 0.08। अब हम उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने 1/3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/3/4 इज इक्वल टू 7/4। तो अब हम 7/4 को पहले उसी तरह न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला रकम उसको अंदर रखेंगे, उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो अब हम देखेंगे 4 1s are 7, तो 3 आ गया। अब 3 जो है वो छोटा है और 4 बड़ा है, तो हम आगे डिवीजन प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए हम इशारिया का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 के बाद हमने इशारिया प्लेस किया, और जब हम इशारिया लगाते हैं तो उसके बाद हम 0 जो है वो इस्तेमाल करते हैं सिफर, और जब तक कि हमारा तकसीम का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता। तो अब हमने देखा कि 7 पे गया और उसके बाद हमने फिर 0 एक नीचे उतारा, तो 20 पे डिवाइड किया। तो अब हमारे पास 1/3/4 इज इक्वल टू 1.75 इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, जब हालात झुका दें, उठे, अल्लाह से रजू करें, अल्लाह से मदद मांगें, और जब आपके हालात अच्छे हों तो फिर भी अल्लाह के आगे झुक जाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।